प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यह दिन विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हर उस खिलाड़ी की उपलब्धियों के सेलिब्रेशन का दिन है जिसने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और तपस्या गजब की है। प्रधानमंत्री मोदी ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि हॉकी स्टिक के साथ उनका जादू कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों की सफलता के लिए उनके परिवार, कोच और सपोर्ट स्टाफ की सराहना का दिन है। शुक्रवार को तकरीबन 10 घंटे तक सीबीआई के सवालों का सामना कर चुकी रिया चक्रवर्ती शनिवार को फिर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंची, जहां पर सैमुअल मिरांडा, नीरज और बाकी लोग पहले से मौजूद थे। इन सभी की मौजूदगी में रिया चक्रवर्ती से फिर सीबीआई पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि सीबीआई ने मुंबई पुलिस को रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा देने की बात कही थी। सीबीआई ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि रिया को मुंबई पुलिस सुरक्षा दे। रिया चक्रवर्ती ने यह शिकायत की थी कि मीडिया की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है, जिसके बाद शनिवार को मुंबई पुलिस की सुरक्षा के बीच रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए पहुंची। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नहीं लिया है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 40 दिनों बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ली, अगर इन 40 दिनों के दौरान सबूत नष्ट हो गए तो क्या होगा। मुझे खबरों के माध्यम से पता चला है कि 8 हार्ड डिस्क नष्ट हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इन बातों को देखने के बाद एक सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र पुलिस जांच के दौरान किसी राजनीतिक दबाव में थी। भारत में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,63,972 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए मामले सामने आए, ये एक दिन में सामने आए सबसे अधिक मरीजों की संख्या है। वहीं इस दौरान देश में 1,021 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। 26,48,998 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 62,550 लोगों की जान चली गई है। जम्मू कश्मीर के केरन के बाद अब माझिल सेक्टर में आजादी के बाद पहली बार 24 घंटे की बिजली आपूर्ति वाला कुपवाड़ा जिले का दूसरा क्षेत्र बन गया है। भारत के स्वतंत्र होने के 73 साल बाद इस इलाके में बिजली पहुंची है। वहीं जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहिल कंसल ने कहा कि उनका उद्देश्य अगले साल सभी सीमा क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि केरन को स्वतंत्रता दिवस के आसपास बिजली मिली और अब दूसरे चरण में बिजली माछिल गांव में भी पहुंच गई है। जल्द ही हम शेष दुर्गम क्षेत्रों में भी बिजली प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि अब तक डीजल जनरेटर के माध्यम से ही माछिल सेक्टर के 20 गांवों को बिजली प्रदान की जा रही थी, लेकिन अब उन्हें पावर ग्रिड के माध्यम से बिजली मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। झारखंड में 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। हेमंत सोरेन ने लोगों से सरकारी नियमों का पालन करने, मास्क का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि झारखंड सरकार 30 सितंबर तक अनलॉक के निर्देश जारी किए हैं। सभी लोगों से मेरी अपील है कि सरकारी नियमों का पालन करें, मास्क का उपयोग अवश्य करें, आपस में दूरी बनाए रखें मगर दिलों को जोड़कर रखें। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,137 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 35,813 हो गई है। 11 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 389 हो गया है। 639 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में 24,138 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इस समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 11,286 हैं। वहीं राजधानी रांची में पहली बार ऐसा हुआ जब कोरोना संक्रमित मरीजों से ज्यादा स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या सामने आई। शुक्रवार को रांची में 94 संक्रमित मरीज मिले तो 96 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। झारखंड राज्य के अंदर बसों के संचालन की सरकार ने अनुमति दे दी है। इसके बाद 1 सितंबर से करीब 10,000 बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। बसों के संचालन शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले के बाद बस संचालकों में खुशी का माहौल है। राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड, आईटीआई बस स्टैंड पर बसों की सफाई होनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व की झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति महापर्व करम पूजा हमारी संस्कृति की धरोहर है। यह प्रकृति के साथ समाज के समरूपता का परिचायक भी है। प्रकृति के प्रति लोगों का प्रेम और समर्पण ही यहां चलने को नृत्य बना देता है और बोलने को संगीत। वहीं प्रदेश के लोग एक दूसरे को इस पर्व पर शुभकामनाएं भी देते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसूनी बारिश सितंबर के अंत तक हो सकती है।
ठंड का असर भी ज्यादा और जल्दी नजर आने की संभावना है। ला नीनो के प्रभाव के कारण मौसम में ये बदलाव नजर आएंगे। ला नीनो के कारण ही इस बार देश में सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। हालांकि वेस्ट यूपी में बारिश सामान्य नहीं रही। मौसम विभाग के अनुसार प्रशांत महासागर में सितंबर अक्टूबर से ला नीनो असर दिख सकता है। इसके प्रभाव से सितंबर में ज्यादा बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि एल नीनो और ला नीनो मानसून का रुख तय करने वाली समुद्रीय घटनाएं हैं। दोनों स्थितियां हवा के विषम बर्ताव के चलते सतह का तापमान बदलने से पैदा होती हैं।